मैं आपका एलईडी टीवी गुरु आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ न्यू वीडियो के साथ में मैं आया हूँ। और आपको सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की सबको मुबारक हो और सभी का ये साल बहुत अच्छा जाए। और आज जो वीडियो लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ सैमसंग स्मार्ट टीवी को, हम रेडमी के 9 प्रो मोबाइल साथ कैसे कनेक्ट करें विदाउट इंटरनेट विदाउट कोई वायर। और ये बिल्कुल लाइव वीडियो है, आप मेरे चैनल पर बने रहिए और कोई भी स्टेप आप मिस ना करें, क्योंकि अगर एक मिस्टेप मिस हो गया तो आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी फिर दोबारा देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक स्टेप इसका बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये सैमसंग का स्मार्ट टीवी है और ये मोबाइल से कैसे कनेक्ट होगा इसकी सेटिंग मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसकी बहुत डिफरेंट सेटिंग है, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप मेरे अगर फेसबुक पेज पर तो फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल पर तो मेरे को सब्सक्राइब कर लें। और अब करते हैं इस वीडियो को लाइव, तो ये मेरे पास सैमसंग का 32 इंच का स्मार्ट एलईडी टीवी है और ये मेरे पास एमआई का नोट 9 प्रो मोबाइल है। दोनों को हम पेयर करेंगे और इस मोबाइल की पिक्चर सॉन्ग MP3 सब कुछ देखेंगे विदाउट इंटरनेट विदाउट कोई वायर। तो ये सैमसंग का मॉडल नंबर है JYS32SKHD, राइट। और ये MI का नोट 9 प्रो मोबाइल है और इन दोनों को पेयर करके हम इनकी मोबाइल को पूरा शेयर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में जाके हम पहले मोबाइल वेरीफाई कराऊंगा कि ये रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल है। अबाउट फोन में जाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए रेडमी नोट 9, राइट। और अब इसमें क्या है कि जैसे हम पहले वीडियो बनाता था मैं, तो वहाँ पे कम सेटिंग होती थी, पर सैमसंग स्मार्ट टीवी में अगर आपको मोबाइल पेयर करना है तो भाई सेटिंग बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। मतलब इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, बता देता हूँ। मोबाइल में करना पड़ेगा आपको MH Share TV, आप नोट कर लीजिए MH Share TV, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको मैं। इसको आपको मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, आपका जो टीवी है सैमसंग का वो वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, सेम वाईफाई से, राइट। आपका मोबाइल और आपका स्मार्ट टीवी सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेता हूँ, Vivo 189 से कनेक्ट है और टीवी मेरा Vivo 189, मतलब मैंने एक मोबाइल को हॉटस्पॉट बना रखा है, तो दोनों डिवाइस एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, राइट। उसके बाद में हमको मोबाइल कनेक्ट कर लेना है वाईफाई से और उसके बाद में हमें टीवी वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है, राइट। तभी आपका ये टीवी और मोबाइल पेयर हो पाएंगे, सैमसंग में कंडीशंस ये है। और सैमसंग को कनेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन मैंने आपको बता ही दी है। और ये रिमोट है, रिमोट में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये देख लो स्क्रीन शेयर का है। एक टीवी मोबाइल बना होगा, इसको क्लिक करेंगे तो टीवी में एक इंटरफेस आएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा इस तरह से, राइट। और जो मोबाइल में हमने एप्लीकेशन डाउनलोड करी है अब उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। कंडीशन आपने अब सारी समझ ली होगी, मोबाइल में एप्लीकेशन है इसको हम ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करोगे MH Share TV, तो यहाँ पे ही ऑप्शन आ जाएगा, आपको फ़ोटो मिररिंग करनी है। मतलब इस एप्लीकेशन से आप टीवी रिमोट भी ऑपरेट कर सकते हो, मतलब इसमें रिमोट भी आ जाएगा आपका, मतलब सारा टीवी कर सकते हो। इसमें आगे आपका यहाँ पे अब जाओगे, ये आगे Share 32, इसको क्लिक करोगे तो आपके टीवी पे एक मैसेज आएगा कि आपका मोबाइल कनेक्ट हो रहा है। और उसके बाद में ये आपका कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, टर्न ऑन कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से आएगा, देन इसके बाद में स्टार्ट, इसके बाद ये कनेक्ट हो गया आपका, ठीक है। कंडीशन पहली कंडीशन आपका टीवी और मोबाइल सेम वाईफाई से, दूसरी कंडीशन आपको मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, तभी आपका सैमसंग का टीवी किसी भी मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपको उस मोबाइल में ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर मैंने आपको दोहरा दिया है, इसका कंडीशन सैमसंग स्मार्ट टीवी का यही है। अगर सैमसंग का एंड्रॉयड टीवी है तो उसके लिए कंडीशन अलग होगी, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाकर भेजूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर भी हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें ऐसी वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।